मैं एक कहानी बताने वाली हूँ जो कि एक राजा और एक लकड़ी जो कि बेचता है हर रोज के उसके बारे में। तो एक राजा था, वो तो आराम से महल में रह रहा था, उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। वो अपनी छत से सब दिन नीचे से देखता था कि एक लकड़ी वाला लकड़ी लेकर जाता था और बेच के अपना पेट पोसता था। तो उसने एक दिन पता नहीं क्या सोचा, उसके मन में अचानक से एक बुरी खबर आई और उसने सोचा कि इस लकड़ी वाले ऐसे क्यों बेचती है और इसे देख के मुझे गुस्सा क्यों आती है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। तो उसने एक दिन सोचा अपनी मंत्री को उसके घर भेजे। तो उसने मंत्री को अपने घर भेजा, लकड़ी वाले के घर, और उसको जाके मंत्री देखा कि ऐसा क्या है जो इस लकड़ी वाले को हमारे राजा इतना गुस्सा क्यों करते हैं। तो उसने जाकर देखा कि वो लकड़ी वाला एक बड़े से अपने घर में ज़्यादातर की काट रख लकड़ी रखता था। वो लकड़ी था चंदन का, वो यही सच के रखता था कि एक दिन जब राजा यहाँ से मर जाएंगे तो उनके लिए वो काट अधिक दाम में बेचेगा और उसी काट से उनको जलाया जाएगा। तो यही सोच के वो रखता था, क्योंकि राजा का वो बहुत ही बुरा चाहता था कि जब उसकी लकड़ी बिक जाएगी तो वो बहुत ही धनवान बन जाएगा। तो राजा इसलिए उसकी मन में गंदी विचार आई और उसको गुस्सा करती थी। तो मंत्री आकर बोली कि राजा, वो तो चंदन का लकड़ी रखी है, जब आप मर जाओगी तो वो उस लकड़ी को अच्छे दाम में बेचकर पैसा कमाएगा। तो इसलिए राजा ने गुस्सा होकर उस लकड़ी वाले को बुलाया और बोला, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, मेरी मर जाने से क्या तुम इस राज्य में खुशी से रहोगी, ऐसे बोल रहा था। तो वो लकड़ी वाले को ऐसे बोलने से वो लकड़ी वाला तो माफ़ी मांगा और बोला, मैं ऐसे नहीं करूँगी, ये लकड़ी सारी आपको फ्री में दे दूँगी, ऐसे बोला और लकड़ी दे दिया। तो इससे हम ये सीख मिलता है कि हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वो हमारे बारे में भी वैसे ही सोचेंगे।